नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी देश अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ देशों ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, तो वहीं अब कुछ देशों को जल्द से जल्द अपने पूरे दल की सूची ICC को जारी करनी होगी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही ICC ने सभी देशों को पूरे स्क्वाड की लिस्ट जारी करने के लिए 10 सितंबर की तारीख अंतिम तारीख तय कर दी है। ऐसे में इंग्लैंड की टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब उनके दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के इस टूर्नामेंट में खेलने की संभावनाएं ना के बराबर नजर आ रही हैं। बेन स्टोक्स ने इस साल मानसिक तनाव का हवाला देकर क्रिकेट से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है। हालांकि उनकी IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो IPL 14 के दूसरे चरण का हिस्सा नहीं होंगे। T20 वर्ल्ड कप IPL 14 के ठीक बाद ही है। बता दें कि स्टोक्स का क्रिकेट से आराम लेने के पीछे की वजह उनकी बाई तर्जनी में चोट से उभरने के संबंध में भी था, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ICC के नियम अनुसार एक टीम आपात स्थिति में 15 और 3 रिजर्व खिलाड़ियों की टीम चुन सकती है। ऐसे में इस कड़ी में स्टोक्स का नाम जुड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। एक सूत्र ने खबर देते हुए बताया कि स्टोक्स फिलहाल क्रिकेट के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अगले शुक्रवार को विश्व कप के लिए टीम चुनने के लिए तैयार है, और ये देखा जाना बाकी है कि स्टोक्स इसमें शामिल होते हैं या फिर नहीं। इंग्लैंड की टीम के सामने अब ये दुविधा रहेगी कि वो स्टोक्स की गैर मौजूदगी में किसे टीम का हिस्सा बनाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।